लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी मैं बछवाड़ा ब्लॉक पे आई हुई हूँ और बछवाड़ा ब्लॉक से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ भारी मात्रा में नॉमिनेशन करवाने आए हैं यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों से। तो साथ ही अभी देख रहे हैं कि हमारे पीछे नॉमिनेशन करवा के यहाँ की महिलाएं जो कि बिशनपुर की रहने वाली है, पंचायत समिति में अपना नॉमिनेशन करवाई हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से ये खड़ी हुई है और क्या क्या इनको दिक्कत हुआ है यहाँ आने में, या क्या क्या सोची है विकास करने के बारे में। नमस्कार मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पंचायत समिति से ठहरा हुए हैं। अच्छा, पंचायत समिति से ठहरा हुए हैं, तो अगर आप खड़े हुए हैं तो क्या क्या काम कीजिएगा जीतिएगा तो? जो जीतेंगे तब जो फंड मिलेगा वो करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो भारी मात्रा में यहाँ लोग आए हैं आपके समर्थक में भी खड़े हुए हैं, क्या उनके विश्वास पे आपको खड़ा उतरना है? हाँ, विश्वास है, विश्वास पे खड़ा उतरना है। चलिए, यहाँ के जो भी समर्थक है उनसे मिल लेते हैं। ये थक गई है, आप थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए। क्या कहना है आपका, इतने छोटे बच्चे को लेके भी साथ में आई हैं? आए हैं नॉमिनेशन में। अच्छा, कौन लगती है आपको? गोतनी है। गोतनी लगती है। अच्छा, आप क्यों नहीं खड़ी हुई है, गोतनी को खड़ी किया है? अगले बार खड़ी हो जाएंगे हम भी, अभी जिता देंगे इसको। अच्छा, क्यों जिताना है, गुतनी है इसलिए? जिताना है, अच्छा, विकास के लिए, कि गांव में विकास होगा जीतने से। अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोग ने क्या क्या सोच रखा है अपने पंचायत में, बिशनपुर पंचायत से जहां से खड़े हुए हैं, आप लोग मिलके क्या क्या काम कीजिएगा? तो जीतने के बाद ना जो फंड आएगा वो फंड करेंगे। मतलब होता है ना कि हमारे पंचायत में ये सब नहीं है, करना है हम लोगों को। हाँ, तो वो तो हौसला है ही ना, जीतने के बाद हौसला होगा तो अपना जो होगा वो करेंगे। आपका क्या कहना है, अभी लग रहा है इनके समर्थक नहीं है, क्या कहना है, इन्हीं को वोट दीजिएगा? हाँ, क्यों दीजिएगा? अपना गांव का विकास के लिए। आपका क्या कहना है, पीछे से देख रही हैं? अरे विकास के लिए बोलिए ना, विकास के लिए, विकास के लिए। चलिए, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। सासू माँ है ये। अच्छा, ये साथ में ही सासू माँ है, उनसे भी पूछते हैं किस तरीके से अपने पुतों को सपोर्ट कर रहे हैं। की करना है आजकल के जो सास होती है वो तो अपने पुतों को घर में दबा के रखती है, आप कैसे इनको नॉमिनेशन करवाने के लिए दे दिए हैं? ठीक से काहे काहे पुतों है तो ठीक से करना है। नहीं, बहुत सारी सासू माँ होती है जो अपने पुतों को निकलने भी नहीं देती है ना, निकलने के काहे, अब जमाना है, नहीं निकलने देना, अब जमाना है, निकल गए, करे के पुतोहे के करे के है, गोतनी के हाथ जिताएंगे यार। गोतनी ऐसे ले जिताइएगा? हाँ, और कुछ उनको करेगा। चलिए, अच्छा, और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं, क्या कहना है सर आपका? तो ग्राम पंचायत राज बिशनपुर का पंचायत समिति के ओर से हम बोल रहे हैं, जो कि जो कंचन देवी है उसका समर्थक है, जो जीतेगा तो आगे विकास के रास्ता करेगा, आगे जो होगा से जीतने के बाद जो है से देखा जाएगा। आप भी इन्हीं के सपोर्ट में थे? हाँ, इन्हीं को अभी लगा दिए। हाँ, लगा दी। अच्छा, तो ये थी पंचायत समिति प्रत्याशी और उनके समर्थक में उनके घर वाले थे और भी अन्य लोग थे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण लोग, और यही था यहाँ का प्रोग्राम। उम्मीद करूँगी आप सभी को पसंद आया होगा। तो जो भी अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए, मैं उनसे अपील करूँगी हमारा चैनल जो कि KBTV बिहार और साथ ही डॉक्टर रोशन कुमार, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, उनका यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मैं मिलूँगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सभी व्यूअर्स का दिल से धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना प्यार दें।